बिल्लू के मुताबिक ये वही ब्रिजेश है जो उस ऐप की एडवर्टाइजमेंट कर रहा था। यस सर। जिसके झांसे में आकर बिल्लू को ठग लिया गया। दीवान जी, एक काम कीजिए, पहले तो ये ऐप डाउनलोड कीजिए। आप कहाँ इस ऐप के चक्कर में पड़ रहे हैं सर, छोड़िए ना। दीवान जी, जितना बोला जाए उतना कीजिए ना। ठीक है सर। हो गया सर, लीजिए। दीवान जी, काम कीजिए, चेंजिंग रूम में टी शर्ट रखी हुई, लेके आइए ना। चाहिए चाहिए। लाते हैं सर। सर लाइए। दीवान जी, ये खिड़की दरवाजे बंद कीजिए सर। सर, जिस तरह से आप हाथ हिला रहे हैं, आपको दर्द नहीं हो रहा है? आपका हाथ ठीक हो गया? हाथ को हुआ ही क्या था दीवान जी? ये लीजिए। अरे लीजिए फोन, फोटो खींचिए। सर हम लास्ट टाइम कह रहे हैं। दीवान जी, फोटो खींचिए। ओके सर, लीजिए। सर एक थोड़ा वहां प्रोफाइल ऐसे ऐसे हो गया। दीवान जी, दो तीन ही फोटो चाहिए। लाइए, अब एक मस्त अपीलिंग सी प्रोफाइल बनाते हैं और पिक्चर्स अपलोड करते हैं। जैसा आप कहें सर। तो ऐसे आ रहे हैं SHO साहब, डेटिंग ऐप पर अपना प्रोफाइल बनाकर। मैडम सर, ऐसे तो अमर सर हमसे पहले केस सुलझा देंगे और नंबर में फिर हम पीछे रह जाएंगे ना। ना ना मां ना। मैडम सर कुछ कीजिए, कुछ कीजिए, ये दुश्मन की पार्टी, हमसे आगे नहीं जानी चाहिए। क्या हुआ मैडम सर, आप मुस्कुरा क्यों रही हैं? हमारी अम्मी ने बहुत से अच्छे काम किए हैं, लेकिन सबसे अच्छा काम ये किया है कि ये शादीवादी के चक्कर में हमारा प्रोफाइल इस ऐप पर ऑलरेडी है। अब देखिए कमाल, आप भी डेट ऐप पे हो, आप दिखे नहीं। माँ चीते का हो गया, हम दोनों ही रह गए ना। माँ मैं मांग कब भरूंगा माँ? अरे एक बाल भी तो है कुमारा। इकबाल? इकबाल शादी के लायक थोड़ी है, है? तो तुम हो? वाओ, क्या बात है मिस मलिक, ऐसे तो बड़ी बड़ी छोड़ती है कि हमें शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई दिलचस्पी नहीं है ऐसी बकवास चीजों पर, और यहाँ तन्हाई दूर करने के लिए कंपनी ढूंढी जा रही है। हुँ? क्या बात है, चेहरे पे चेहरा है औरत, तेरा क्या कहना। अरे इस इंसान की हिम्मत तो देखिए, डायरेक्टली हमें मैसेज कर रहा है। हाथ दुखने का नाटक खत्म हो गया है ना। करिश्मा सिंह, क्या आप भी वही सोच रही हैं जो हम सोच रहे हैं? मगर मैडम सर, आप क्या सोच रही हैं? वही जो हम सोच रहे हैं। आप दोनों क्या सोच रहे हैं? वही जो इस सिचुएशन में सोचा जाना चाहिए। तुम ज्यादा मत सोचो, इसको तालमेल बोलते हैं। अ परफेक्ट टीम। तो फिर मैडम सर अब क्या करना है? तजुर्बा कहता है हमारा कि दुश्मन पर जो नजर रखता है वो हमेशा दुश्मन से दो कदम आगे रहता है। कमाल कमाल मैडम सर, कमाल। क्या कमाल कमाल, क्या समझ में आया तुमको? आप समझे नहीं? बिल्कुल समझे नहीं। माँ तुम बोली हो, माँ आप समझाओ माँ को। एक मिनट, आप समझ के क्या कर लेंगे? मतलब हम समझ के क्या कर लेंगे? हैं? जो करना है इनको करना है। You do nothing, I do nothing. Stop it, stop it. हम okay okay proceed. दीवान जी, अरे दीवान जी कहाँ कहाँ हैं आप? दीवान जी कब से ढूंढ रहे हैं? क्या मुंह से बोल, आइसक्रीम कम खाया कीजिए ना। ये क्या है? ये सब क्या है सर? क्या चल रहा है आपके दिमाग में? आपके पहले प्लान के हिसाब से पहले आपने अपना प्रोफाइल ऐप पर डालना था और डिलीट करना था, ताकि वो ब्रिजेश वाला जीने मरने वाला मैसेज आपको भी मिले और आपका उन तक पहुंचने का रास्ता साफ हो।
पर आपने अपना प्रोफाइल डिलीट करने के बजाय अब मेरा प्रोफाइल बनाकर इस पर अपलोड भी करवा दिया और डिलीट भी कर दिया। दीवान जी नहीं अभी और। दीवान जी आपकी आवाज क्या गई, आप तो कुछ ज्यादा ही बोल रहे हैं। कमाल की बात यह है कि मेरा प्रोफाइल डिलीट करते ही मुझे मेरे मोबाइल पर यह मैसेज भी आ गया कि क्या आप प्यार में जीना मरना चाहते हैं, मतलब अब बलि का बकरा आपने मुझे बना दिया। अरे दीवान जी थोड़ा सा दिमाग लगा लेते ना तो खुद ही समझ जाते। नहीं अगर देखिए अगर आप पे वो लोग हमला करते हैं तो आपकी सेफ्टी के लिए आपके पीछे कौन है? कौन है? अरे मैं हूं ना दीवान जी, मुझे बड़ी जल्दी भूल जाते हैं। और अगर मैं चारा बनता हूँ मुझ पर वो लोग हमला करते हैं तो मेरी सेफ्टी के लिए कौन है? कौन है? कोई नहीं है दीवान जी, तभी तो आपको चारा बनाया था कि आपके पीछे रहकर ना मैं उन हमलावरों तक पहुंच भी सकूं और उन्हें पकड़ सकूं, आपको मार दूं। अरे दीवान जी रुकिए ना। अरे आपको कैसे कुछ हो सकता है दीवान जी, पूरी दुनिया जानती है राक्षस की जान तोते में और अमर विद्रोही की जान उनके गुरु में। और वैसे भी दीवान जी थोड़ा टाइम इसी ऐप पर रहना है, मजा आने लगा है। आगे क्या सर? अरे अभी तो वक्त है इस मौके का पूरा फायदा उठाने का, उन धोखेबाजों को उनके असली अंजाम तक पहुंचाने का। दीवान जी आप एक काम करिए, रिप्लाई कीजिए। क्या आप प्यार में जीने मरने के लिए तैयार है? तैयार है, तैयार है दीवान जी। यस कीजिए 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 कीजिए, यस कीजिए। गुड, अपने मरने का पसंदीदा हथियार चुनिए। क्या क्या? जहर जहर जहर। सच में नहीं पिला रहे हैं, जहर कीजिए, यस कीजिए। कल आपको संदेश के माध्यम से बता दिया जाएगा कि आपको मरने कहां और कब आना है, हमारे संदेश की प्रतीक्षा कीजिएगा। अब देखते हैं दीवान जी ये केस पहले कौन सॉल्व करता है। गुड, तो कल ये मिस्ट्री भी सॉल्व हो जाएगी कि कौन है इस सारे खेल के पीछे। कितनी बार बोला है दीवान जी कम खाया कीजिए, हर जगह से फैल रहे हैं आप। पुरानी मूवीज की टुनटुन जी देखी है ना, उनकी तरह बॉडी होगी, आपकी कमर का कमरा बन चुका है। समझ में नहीं आ रहा है कि आदमी को हम साड़ी पहना रहे हैं या घोड़े को। अरे सीधे बैठे रहिए ना, इतने हिल क्यों रहे हैं? अरे सर तो और क्या करें, अपनी बलि देने जा रहे हैं, अंदर और बाहर से पूरी तरह से हिले हुए, ऊपर से ये गला भी ठीक नहीं हो रहा। दीवान जी ये मुझे मुड़वानी पड़ेंगी। नहीं सर हम जा रहे। अरे रुकिए ना, कहाँ जा रहे हैं? मूछों वाली औरत देखिए कभी, मूछें मुड़वाएंगे तभी तो औरत जैसे दिखेंगे ना। अरे सर कोई हाथ तो लगा के दिखाए हमारी मूछों को, ये मान है हमारा और ये एक ही तो चीज है जिसमें औरतें मुझसे आगे नहीं निकल सकती है। सर ये नहीं हो सकता, असंभव। हाँ तो एक काम कीजिए, ये पल्लू अपना कुछ इस तरह से लीजिएगा कि आपकी शक्ल छुप जाए, नहीं तो सारा भांडा वहीं फूट जाएगा। लाइए फोन दीजिए अपना। लीजिए। दीवान जी इससे अच्छी जगह नहीं मिली फोन रखने को। तो सर अब कहाँ रखते, और कोई जगह तो है नहीं। ये देखिए उस किलर का मैसेज है, उसने हमें उसी पार्लर में बुलाया लेडीज के गेटअप में मिलने के लिए। तो पहली बात तो ये हमारी मजबूरी है, हमें शौक नहीं है लेडीज बनने का, और इसमें हमारा ही फायदा है, वो हमें एज अ कॉप जज कर ही नहीं सकता। तो दीवान जी ये रहा आपका टोकन, ध्यान रखिएगा हमें इस किलर को रेड हैंडेड पकड़ना है, सबूत के साथ पकड़ना है। तो अपने आँख कान खुले रखिएगा, कोई भी गड़बड़ मत होने दीजिएगा प्लीज। आइए आइए चलिए। जी सर चलिए। और कमर थोड़ी कम मटकाइएगा, नहीं तो खुल जाएगी साड़ी। हाय भगवान। सर चलिए दीवान जी थोड़ा औरत बन लिया जाए। मैडम जी कहिए क्या कर सकते हैं आपके लिए? मैसेज आया है, टोकन भी। मैं मर दूं। चलो मेरे साथ। जी बताइए मैम किस टाइप की सर्विस चाहिए आपको? कुछ नहीं मैं तो बस यूं ही आ गई थी, यू नो। सॉरी मैम पर ये कोई पब्लिक पार्क नहीं है,
सोचो इस तरीके से आप चली आई, पार्लर है ये, उससे रिलेटेड ही कुछ सोच कर अंदर आई होंगे ना। देखिए झिझकने की कोई जरूरत नहीं है, आप खुलकर बता सकती हैं कि आपको किस तरीके का सर्विस चाहिए। आप मेन्यू देखना चाहेंगे मैम? आपने यहाँ रेस्टोरेंट भी खोल रखा है? अरे मैडम पार्लर का मेनू। आइए बैठिए। तो आपने मरने के लिए जहर सेलेक्ट किया था राइट? तो आप कैसे लेना पसंद करेंगे सर, दूध चाय कॉफी शरबत या? शरबत ठीक है। ग्रेट चॉइस सर, तो आप बैठिए मैं अभी आपके मरने का प्रबंध करके आती हूँ। अरे सरला तू यहाँ, आखिरकार वैक्सिंग करने के लिए तुम आ ही गई। वैक्सिंग? अच्छा तो इन्हें वैक्सिंग कराना है? या बब, वैक्सिंग वैक्सिंग। आइए प्लीज चलिए। ऐसा वैक्सिंग करना ना कि जिंदगी में दोबारा वैक्सिंग करने की जरूरत ना पड़े। तो आपको क्या करवाना है? हमें हमें तो बहुत कुछ करना है। हाँ। मगर थोड़ा सोच समझ कर बताते, तीन तीन औरतें हैं, थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। हाँ। बताएं। कुछ करना होगा जिससे इन सब का ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो जाए और हमें अपना काम करने का मौका मिले। पुष्पा जी हमें ना यहाँ इस पार्लर में आकर ऐसा लग रहा है कि ये मर्द चाहे कितना भी बोल ले कि इन्हें सादगी पसंद है, सिंप्लिसिटी पसंद है, लेकिन फिर भी ना ये सब के सब मरते चकाचौंध पर ही है। पर हमें पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि करिश्मा सिंह इन सारी चीजों में बिलीव नहीं करती है, कहीं इसीलिए लल्ला इतना ज्यादा टूर पर तो नहीं जाते? नहीं मतलब अगर करिश्मा सिंह थोड़ा सजे सवरे बन ठन के तैयार होकर लल्ला से मिले तो हो सकता है वो टूर पर कम जाए, घर पर ज्यादा समय बिताएं, और जितना ज्यादा समय वो घर पर बिताएंगे उतना ज्यादा आपकी दादी बनने की पॉसिबिलिटी बढ़ेगी ना। अब उसके लिए जो करना है करना तो करिश्मा सिंह को है, पर उन्हें कौन समझाए, छोड़िए। आप सही कह रही मैडम सर, बिल्कुल सही कह रही हैं। हम बात करते हैं। हाँ कीजिए। सुनिए ना, हम क्या कह रहे हैं, वैसे भी अभी हम ब्यूटी पार्लर में आ चुके हैं तो थोड़ा सा श्रृंगार आप भी कर लीजिए। अरे सूखी घास तो बकरी भी नहीं खाती, हमारा लल्ला तो फिर भी इंसान है। हम सूखी घास हैं? अरे मगर हमने हमारे लल्ला को भी तो बकरी कहा ना। देखिए हम क्या कह रहे हैं मैडम, एक मिनट, हम क्या कह रहे हैं, बस इतनी सी बात कह रहे हैं ना कि थोड़ा बहुत साज श्रृंगार करने में कोई बुराई नहीं है। जल्दी बताओ दीवान जी को कहाँ लेकर गए? हमारा प्लान है ये, इसमें मत घुसिए। अरे आपकी प्लानिंग कैसी की तैसी, अगर थोड़ा इंतजार और किया तो दीवान जी की लाश भर आएगी। जल्दी बताइए। उस तरफ, उस तरफ। ओके। हीरा भी तो तराशली के बाद ही तो चमकता है ना दीदी। तो आप भी चमकिए ना, आप भी इनसे बहुत कुछ करा लीजिए। पूरा देखिए इधर उधर कितना काम करना है, सारा कोयला भार आ रहा है मुंह का। आप इनको चमकाइए सबसे पहले। नहीं, नहीं नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे ऐसे ही नहीं, हमें लल्ला के पप्पा ने पसंद किया था, हम तो बहुत सुंदर है, आप अपनी देखिए ना। हेलो दीवान जी, आवाज आ रही है? हाँ सर। आप ठीक है ना? सर मैं अभी ठीक हूँ, पर 10 मिनट बाद क्या होगा मुझे नहीं पता, वो जहर लेने गई है, आप जल्दी कुछ कीजिए सर। दीवान जी कुछ नहीं होगा आपको, मैं जल्दी कुछ करता हूँ। अच्छा सुनिए, यहाँ की सभी गतिविधियों की आवाज आ रही है ना आपको? अरे सर सब कुछ सुनाई दे रहा है, पर प्लीज आप कुछ करिए वरना मेरा तो परफेक्ट। तो हर चीज सुनते रहिए और अलर्ट रहिए। यस सर। अक्कड़ बम्बे बो 80-90 पूरे 100, 100 में से निकला धागा, चोर निकल के भागा, खेल खत्म, पैसा हजम।
और तुम्हारे बाकी के पार्टनर्स भी पहचाने जा चुके हैं। सीसीटीवी की लाइव फुटेज। और मेरे आदमी उन्हें यहीं लेकर आ रहे हैं और सबको एक साथ गोली मार देंगे। और आज महिला थाना का चैप्टर हमेशा के लिए क्लोज हो जाएगा। अच्छा, एक बार खुद चेक कर लीजिए तो पता चल जाएगा कि कौन किसे लेकर जा रहा है। जरा पीछे देखना। चले, जहां का चैप्टर क्लोज करने वाली थी वही महिला पुलिस थाना। मैं अपने पति से ऐसे ही डेटिंग ऐप पे मिली थी। मुझे लगा कि बहुत ही अच्छा नोबल काम है लोगों के सोलमेट से मिलना, लोगों का अकेलापन दूर करना, सच्चे दोस्तों की तलाश में हेल्प करना। मैंने यही सब सोचकर अपना खुद का डेटिंग ऐप स्टार्ट किया, लेकिन मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई जब मुझे पता चला कि मेरा ही हस्बैंड मेरे ही ऐप पर दूसरी लड़कियों के साथ में फ्लर्ट कर रहा है। मुझे बहुत तकलीफ हुई अपने हस्बैंड के धोखे से, इसलिए मैंने सोच लिया कि इसी ऐप से, जिसे मैंने बहुत अच्छे इरादे से स्टार्ट किया था, इन मर्दों से बदला लेने का हथियार बनाऊंगी। मुझे बहुत तकलीफ हुई अपने हस्बैंड के धोखे से, इसलिए मैंने सोच लिया कि इसी ऐप से इन मर्दों से बदला लेने का हथियार बनाऊंगी। और मैंने वही किया। मैंने कुछ लड़कियों को कमीशन बेस पर हायर किया और उन्हीं के जरिए मैंने मर्दों को ठगने का काम शुरू किया। पैसा तो बहुत आया लेकिन दिल को सुकून नहीं मिला। मेरे बदले की आग ठंडी नहीं हुई, इसीलिए मैंने इसी ऐप के जरिए धोखेबाज मर्दों को मारने का प्लान बनाया। तो आज तक कितने लोगों के साथ तुम ऐसा कर चुकी हो? कितने मर्डर किए तुमने? ब्रिजेश पहला ही शिकार था। दरअसल वो मेरे स्कूल का फ्रेंड था और मैं मन ही मन उसे चाहने लगी थी। इसको? हे बाप रे! ये दाढ़ी मूछ लगाकर खामखा भेष बदल कर घूम रहा था इसको। अभी मैं खामखा दाढ़ी मूछ नहीं लगाता था, उस फिरौती वालों से बचने के लिए मैं दाढ़ी मूछ लगाता था, समझे? ताकि मुझे पहचान ना पाए। और इनकी बदकिस्मती देखे, जिसे सबसे ज्यादा प्यार किया, जिसे अपने भेष बदलने के बारे में बताया, उसी ने सबसे ज्यादा धोखा दिया। नहीं नहीं, मैंने इन्हें मारने के बारे में सोचा भी नहीं। मैं सच में इन्हें चाहती थी, इसीलिए अगला मैसेज मैंने इन्हें बस कुछ पैसे मांगकर छोड़ने की बात कही। तो फिर तुमने उसे अगवा काहे किया था? दरअसल मैंने इन्हें सब कुछ सच सच बताकर अपने प्लान में शामिल करने का ऑफर दिया था, लेकिन इसने रिफ्यूज कर दिया। ब्रिजेश को मेरी सारी सच्चाई पता चल गई थी और इसीलिए मैंने इसे हॉस्टेज बनाकर एक पार्लर के रूम में कैद कर दिया था। अच्छा, तो अब तुम खुद को क्या कहोगी विद्या? घायल हुई जज्बाती औरत, या फिर एक बेवकूफ इंसान का पागलपन, या फिर नफरत का वक्ती जुनून? क्या लगता है तुम्हें खूनी हो? नहीं, तुम खूनी नहीं हो। तुमने बस एक इंसान से बहुत शिद्दत से प्यार किया और उस इंसान के धोखे ने तुम्हें इतना पागल बना दिया कि तुम दुनिया भर के मर्दों से बदला लेने के लिए निकल पड़ी। तुम्हें इतना समझ में नहीं आया विद्या कि धोखा देने वाला मर्द या औरत नहीं होता, बस एक घटिया इंसान होता है। और एक इंसान का बदला तुम पूरी मर्द जात से नहीं ले सकती। ये तुम्हारी गलती थी। प्लीज, आप प्लीज अपनी जज्बाती डोज अपने पास ही रखिए। सीधा साधा क्रिमिनल केस है, मुलजिम सामने है और आगे क्या करना है हम सब जानते हैं। तो प्लीज आप इसमें अपना जज्बाती एंगल घुसा के इसे कॉम्प्लिकेटेड मत कीजिए। कॉम्प्लिकेटेड इसे आप कर रहे हैं मिस्टर अमर विद्रोही। ये मामला बहुत ही सिंपल है। क्या लगता है आपको कि ये पैदाइशी क्रिमिनल है? बिल्कुल नहीं। दर्द ने, धोखे ने इसे क्रिमिनल बना दिया है। लेकिन दर्द के बारे में आप क्या ही समझेंगे? जो इंसान एक मामूली सा वैक्सीन का दर्द नहीं सहन कर सकता, वो दिल टूटने के दर्द के बारे में क्या ही जानता होगा। तो प्लीज रहने दीजिए। माफ कीजिएगा सर, औरतों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं और जीतने के लिए औरत के भेष का ही सहारा लिया।
वैसे एक बात कहे सर, इनका तो पता नहीं मगर आप औरत के भेष में बहुत सुंदर लग रहे थे। संतोष शर्मा चलो। आप सबने मिलकर मेरी जान बचाई है, आप सभी के लिए ये तो बनता है